हम लोग एक क्रम से लगातार भाषा शिक्षण का अध्ययन करते जा रहे थे और आज हम लोग एक टॉपिक छोटा सा है भाषा शिक्षण का उद्देश्य आपके लिए हमारे दोनों के लिए जरूरी है इसलिए उसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। भाषा शिक्षण का उद्देश्य, भाषा शिक्षण का उद्देश्य। हम अगर आपसे पूछें कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे भाषा शिक्षण को पढ़ लिया, कई वीडियोज आपको उपलब्ध हो गए क्रमिक रूप से। अगर हम भाषा शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पूछें तो क्या आप बताएंगे? मतलब भाषा शिक्षण का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि एक अध्यापक का ये कर्तव्य होगा कि बच्चों के अंदर भाषा की समझ विकसित करना और अभिव्यक्ति को का विकास करना, ताकि बालक निसंकोच होकर बोल सके, अपनी भाषा प्रकट कर सके। ठीक, फिर हमने देखा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक ऐसा पर्यावरण, एक ऐसा माहौल बनाना होगा विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय के उसके आसपास में, ताकि बच्चा अपनी सोच भावनाओं से बगैर डरे निसंकोच रूप से उसे व्यक्त कर सके। मतलब हम लोगों ने ये सीखा कि बालकों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें सबसे पहले जो है भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो निसंकोच होकर बोल सके, व्यक्त कर सके, अभिव्यक्ति कर सके और कल्पना कर सके, अपनी भाषा ज्ञान को बढ़ा सके, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना होता है। अगर हमें कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिनके बिंदुओं के आधार पर अध्यापक को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, उनके भी बिंदुओं के बारे में हम लोग को आज चर्चा करते हैं, एक पॉइंट को लिखते हैं और उस पर आगे बात करते हैं। पहली बात, त्रुटियां बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक और अस्थाई चरण होती है। अगर हम लोग पहला टॉपिक लिखें कि भाषा शिक्षण को विकास के लिए अध्यापकों को प्रमुख रूप से तीन बिंदुओं को ध्यान रखना होगा। पहला अगर बिंदु के बारे में देखें हम लोग, बिंदु नंबर एक, तो क्या है कि त्रुटियां बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक और अस्थाई चरण होती है। क्या होती है? त्रुटियां, लिख लीजिए, हम बोल रहे लिखते चलिए। त्रुटियां बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया का स्वाभाविक और अस्थाई चरण होता है, ये मत कहिएगा सर थर्ड आई पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। फिर सभी बच्चों में, दूसरा पॉइंट लिखेगा, सभी बच्चों में सीखने की गति समान नहीं होती, ये बात भी याद रखिएगा, सभी बच्चों में सीखने की गति एक समान नहीं होती। मतलब जितने भी बालक, अगर आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों की सीखने की गति समान नहीं होती, कुछ हम जैसे मंद बुद्धि भी होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट डालिएगा, पॉइंट नंबर थ्री डालिएगा। पॉइंट नंबर थ्री ये कहता है कि बच्चों में घर की भाषा और उनकी जो कल्चर संस्कृति सहज रूप से स्वीकार करें, तथा जो बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करें। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे की घर की भाषा हो, आसपास की भाषा हो, भारत लोकल लैंग्वेज हो, उसे हमें सहजतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो उसकी संस्कृति, उसकी कल्चर है, उसे भी एक अध्यापक को स्वीकार करना होगा, तथा बहुभाषिकता का जो एक समाधान के रूप में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीन बिंदुओं का अगर हम वर्णन करना चाहें तो अलग अलग क्रम से, अलग अलग रूप से हम इन सभी बिंदुओं के बारे में कर सकते हैं। अगर हम पहला देखें कि त्रुटियाँ बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक एवं अस्थाई कारण है, तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये सभी शिक्षण में आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा और हमें इस बात का भरोसा है कि आप इन सभी तथ्यों को पढ़ने के बाद सीटेट के में जब प्रश्न सॉल्व करेंगे शिक्षण का, तो आप बेहतर स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। फिर इसमें हम देखेंगे कि त्रुटियाँ, पहला पॉइंट देख रहे हैं, त्रुटियाँ बालकों की सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक और अस्थाई चरण होते हैं। इसमें लिखेंगे कि किसी भी भाषा की समृद्धि तथा उसकी पहचान, उसकी जीवनी, उसकी इतिहास को पहचानने के लिए विभिन्न रूपों में, शब्दों में, शैलियों से विविधता होती है। ऐसा नहीं है सभी भाषा एक जैसे होते हैं, एकदम सरल सी होती है, ऐसा नहीं है। हर भाषा की, किसी भाषा की समृद्धि तथा जीवन तंत्रता की पहचान के रूप में, जनता की पहचान के रूप में शब्दों तथा शैलियों की विविधता से होती है। बच्चों के उत्तरों और उनमें निहित सोच और कल्पना को स्वीकार करना जरूरी है। ऐसा प्रश्न पर्यावरण में पूछा गया, अगर आप एक कक्षा में कोई भी बालक गलत सोचता है, अगर कोई कह दिया कि पेड़ से हमें क्या लाभ होता है, यदि कोई कह दिया कि नहीं सर पेड़ से हमें लाभ होता है, यह भी कि पेड़
ना होता तो हमें हवा ना लगती। तो अब बालक गलत कर रहा सही, उसे आपको स्वीकार करना है। अगर बालक ये कह रहा है कि सर अगर पेड़ भी उड़ते होते तो जिसके ऊपर गिरते उसके सर फूटे जाते, तो इस बात को भी आपको सहजता से स्वीकार करना होगा कि बालक को कल्पनाओं को भी आपको स्वीकार करना होगा। फिर हम देखते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं, तो अगर बालक उसके बताने का प्रयास कर रहा है, उसे समझाने का प्रयास कर रहा है और आपको लगता नहीं वो गलत है, उसे भी नहीं करिएगा, क्योंकि आपको ये बात विदित होगा, यह बात जानना होगा कि हो सकता है जिस बालक को कहना चाह रहे हो आप समझना चाह रहे हो, जो आप कहना चाह रहे हो वो बालक ना समझना चाह रहे हो। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा, त्रुटियाँ बालकों की सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है और उसका एक अस्थायी चरण भी है। फिर हम देखते हैं बच्चे इस बारे में चर्चा करें, इस दौरान बहुत सारे शब्द निकल कर आएंगे। जब बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बाहर निकल कर आते हैं। शुरू से ही बच्चों की त्रुटियां निकालना, उनकी आलोचना करना, दंडित करना शिक्षा की बुनियादी जो उद्देश्य को खंडित कर देता है, जो उसे ध्वस्त कर देता है। माने शुरू से ही अगर हम उसकी गलतियों को निकालते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसे दंडित करते हैं, तो यह एक बुनियादी शिक्षा को खंडित करता है, उसे उखाड़ फेंकेगा, ध्वस्त कर देगा। इसलिए आपके बालकों की गलतियों का मूल्यांकन नहीं करना, उसे सदैव उत्साहवर्धन करना है, सदैव उसकी सराहना करनी है, सदैव उसे नए कार्यों के लिए प्रेरित करना है और उसके त्रुटियों से उसे खेल की भावना से गद विधि, कार्टून, हर एक विधि से जितनी विधि अभी आप लोगों ने पढ़ी है उन सभी का प्रयोग करके आप उन्हें भाषा शिक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। फिर देखेंगे बच्चे में उत्तरों उनमें नहीं सोच जो कल्पनाएं निकलेंगी आप उसे सहजता स्वीकार करेंगे, फिर आपको भी कभी न कभी कलाम जैसा बालक मिलेगा। फिर हम देखते हैं प्रारंभिक स्तर में की गई त्रुटियां, जो प्रारंभिक स्तर होती है की गई त्रुटियां बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का एक क्या है, अस्थाई चरण होती है, यह आपने हमने पढ़ लिया। फिर हम आगे देखते हैं कि अध्यापक यह प्रयास करे कि बालक स्वयं अपनी त्रुटि को अपनी समझ और कोशिश से दूर कर सके। यह अध्यापक को सदैव सोचना चाहिए कि आप ऐसी कोई गतिविधि करें कि बालक अपनी त्रुटि को स्वयं महसूस करे और उसे सही करने का पूरा प्रयास करे और कोशिश करे। इससे क्या होगा, बालक सहजता के साथ सीख जाएगा। फिर देखते हैं अध्यापक बच्चों की उन्हीं त्रुटियों पर ध्यान दे जो बातचीत तथा समझ में बाधा बन रही हो, माने उन्हीं त्रुटियों को ध्यान दे जैसे बातचीत करने पे उनके समझने में बाधा उत्पन्न हो रही है, उन्हीं त्रुटियों को ही आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, माने आपको उन्हीं त्रुटियों को ध्यान रखना है जिससे उनकी भाषा बाधित हो, जिससे उनकी समझ बाधित हो, बाकी त्रुटियों का आपको मूल्यांकन नहीं करना, ऐसा प्रयास करना कि स्वयं सुधार करें। त्रुटियों से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि वह उन सबको कब और कैसे ध्यान दिया चाहिए, कैसा उपयोगी होगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अध्यापक को बच्चों की जो उनकी रोजमर्रा की त्रुटियां होती हैं उन्हें गतिविधि के माध्यम से, खेल के माध्यम से उन्हें एहसास कराएं वो त्रुटि हुई है, ताकि बालक स्वयं से उसे सुधार कर सके और त्रुटि से बचे, उसकी आलोचना कदापि ना करें, उसे गलत ना ठहराएं, उसे दंड ना दें, ये बात का ध्यान रखना, उसे रटने पर बल ना दें। अध्यापक यह प्रयास करे कि बच्चा क्या करे, स्वयं से समझे, स्वयं से समझ विकसित करे, अपनी गलतियों का मूल्यांकन स्वयं से महसूस करे। जहाँ तक परीक्षा की बात है, परीक्षा में त्रुटियों पर ध्यान देने के बदले बच्चों द्वारा कही गई बात को ध्यान में रखना अधिक उपयोगी रहेगा। जैसे आप एक परीक्षक हैं और आपने कोई परीक्षा ली है, बच्चों ने जो उसके जवाब दिए हैं तो जवाब को इस तरह से ना पढ़िए कि बालक ने उस प्रश्न का जवाब कैसे दिया, अब ये पढ़िए उसके विचार क्या थे, वह इस प्रश्न में अपना विचार किस प्रकार से रखना चाहा, वह अपनी बात कैसे रखा है, वह कितना कल्पना किया है या किस हद तक गया है, तो इससे क्या होगा, बालक कल्पनाशील हो जाएगा। तो हमने पहले टॉपिक पढ़ ली कि भाषा शिक्षण में किस प्रकार से बालक त्रुटियों को ध्यान में न रखे, क्योंकि वह उनका ये अस्थाई विकास का चरण होता है और यह आपके लिए उपयोगी भी। अगर हम देखें कि बच्चों की जो सीखने की चुकती होती है यह समान नहीं होती, सभी की गतियां अलग होती है। आप एक अच्छा कक्ष में जितने भी बालक होते हैं उन सब की गतियां अलग अलग होती है, असमान होती है।
तभी तुम समावेशी कक्षा का निर्माण करते हैं। बच्चों को सीखने की गति समान नहीं होती, यह विकास की व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों की सीखने की गति समान नहीं होती, यह विकास के व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित होती है। सीखने में बालकों का उत्साह पैदा करने और उन्हें बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें अपनी गति से सीखने की छूट मिले। आपकी गति से नहीं, मेरी गति से नहीं, उनकी गति से सीखने की पूरी छूट मिले। जिस गति से मन धीरे धीरे सीखना चाहते हैं, धीरे धीरे सिखाइए। मतलब आपको इस तरह से करना है कि वो अपनी गति से सीखना चाहे। इसके लिए अध्यापक को धैर्यवान होना चाहिए ताकि वह ऐसे अवसरों पर धैर्य रख सके जब उसे ये लगे उसके द्वारा बालकों को जो छिड़काव हो रहा है, सिखाया जा रहा है, वो उतना प्रफुल्लित नहीं हो पा रहा। तो उस दशा में इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। फिर आगे देखते हैं कि बच्चों की घर की भाषा, बहुभाषिकता और संस्कृति को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करें और जिसका बालक के विकास पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। फिर आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर थर्ड जो हमने लिखा था, बच्चों का परिवेश उसकी भाषा से गढ़ता है। इसलिए उच्चारण, शब्दावली, परिवेश का प्रभाव होना स्वाभाविक है। बच्चों का परिवेश क्या होता है? उसकी भाषा को गढ़ता है। इसलिए उच्चारण, शब्दावली, परिवेश का प्रभाव होना स्वाभाविक है। कहते हैं ना, ये बिहार के हैं, ये यूपी के हैं, ये जौनपुर के हैं, ये आगरा के हैं, कैसे? इसी वजह से। इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है कि एक अध्यापक बच्चों के घर की भाषा और संस्कृति को सहज रूप से स्वीकार करे ताकि बच्चों में सीखने की आत्मविश्वास और उत्साह पैदा हो सके, ताकि उनके अंदर सीखने की आत्मविश्वास और उत्साह पैदा हो सके। इस बात का भी आपको पूरा ख्याल रखना है। अगर हम एसआईटी किताबों की बात करें, रिमझिम की बात करें, मैरीगोल्ड की बात करें, उसमें कई भाषा के प्रश्न हैं जो एनसीएफ 2005 में दिए गए सुझाव के अनुरूप बहुभाषिकता को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इंग्लिश की बुक जो मैरीगोल्ड के नाम से उसे देखें तो बहुभाषिकता हमारे देश की एक सांस्कृतिक विशेषता है जो न किसी रूप में आपकी कक्षा कक्ष में देखी जा सकती है। कभी कभी आप महसूस करेंगे आपकी कक्षा में पढ़ने वाले बालक भी बहुभाषिकता से परिचित है। इसका सामना तो आपको करना ही है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता। विभिन्न शोधों अनुसंधान से यह बात पूरे विश्व में सिद्ध हो चुकी है, कक्षा में मौजूद भाषी विविधता, जो भाषी विविधता होती है वो सोचने, समझने और व्यक्त करने के तरीकों का क्या करती है? विस्तार करती है। ये बहुत सारे विद्वानों द्वारा, रिसर्च सेंटरों द्वारा यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि वह उनके सीखने में उद्देश्यों की पूरी पूरी पूर्ति करती है। फिर आगे अगर हम देखेंगे कि आगे भी भाषा शिक्षण क्या है एवं मूल्य शिक्षा क्या है। अभी हम लोग देखा था भाषा शिक्षण का उद्देश्य, अब मूल्य शिक्षा क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भाषा शिक्षण एवं मूल्य शिक्षण की बात करते हैं। इसकी मूल्य शिक्षण, अगर मूल्य शिक्षण की बात करें तो हमें एक नया टॉपिक मिल गया, भाषा शिक्षण एवं होगा, मूल्य शिक्षा। अगर हम एनसीएफ 2005 की बात करें तो एनसीएफ 2005 के सभी मूल्यों में एक सामाजिक सद्भाव शांति के चिन्हित करती है और इस देश के लिए प्रत्येक विषय को महत्व देती है। इसी को प्राप्त करने के लिए वो क्या करती है? प्रत्येक उद्देश्य को महत्व देती है। अगर शांति रूप परक रूप से मूल्यों के विकास में भाषा की जो भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भाषा किसी भी संस्कृति को बनाए रखने का काम करती है, मतलब किसी भी कल्चर को, किसी भी संस्कृति को बनाए रखने का काम करती है। दूसरों के प्रति खासकर असमानता, अक्षमता, पृष्ठभूमि अंतर, बच्चों के संवेदनशील बनाना भाषा शिक्षण के दौरान ही होना चाहिए। मैंने भाषा शिक्षण के दौरान ही
असमानता, क्षमता, पृष्ठभूमि आदि का ही हमें ध्यान रखना चाहिए। ये भाषा शिक्षण के समय ही हमें उनके मूल शिक्षण का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए एनसीईआरटी की जो रिमझिम है, सुनीता की पहिया कुर्सी नामक पढ़ दिया गया, जहाँ पर इस बात को विशेष तरीके से प्रस्तुत किया गया। इसी तरह से अन्य समाचार पत्र, पत्रिकाओं, ये स्वयं विकसित करके शिक्षण उनका उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक को ये चाहिए कि मूल्यों के विकास में, बालकों के मूल्यों के विकास में भाषा की भूमिका सुनिश्चित करते हुए कक्षा कक्ष में, बच्चों के व्यवहार में उसकी परिमिति लाए, उसे प्रयोग में लाए, ताकि उनका जो विकास है वो पूरी तरह से किया जा सके। और इस आधार पर हम लोगों ने कई तथ्यों को पढ़ा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं भाषा की बनावट। अगले टॉपिक पढ़ लेंगे इसी में, भाषा की बनावट, जो आपके लिए भी उपयोगी है। क्या है भाषा की बनावट? अगर भाषा की बनावट की बात करें तो एनसीईआरटी 2005 व्याकरण की अवधारणा को विविध किस्म से पाठों के संदर्भ में पहचान कर उचित प्रयोग करने का सुझाव देती है। क्यों देती है, इसको हमने इसके पहले वीडियोज में पढ़ लिया है। क्या ऐसा कारण है कि ऐसा करना पड़ रहा है? हिंदी की पाठ्य पुस्तक में अभ्यासों के माध्यम से भाषा की बनावट के सार्थक प्रयोग पर बल देती है। जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें अभ्यास के माध्यम से भाषा की बनावट को सहजता के साथ सार्थक प्रयोग पर बल देती है। व्याकरण को एक कठोर यांत्रिक पृथक अनुशासन के रूप में न सुझाकर सहज रूप में प्रस्तुत करना ही बेहतर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बालक जो होता है वो पहले से ही इस बात से परिचित होता है। इस प्रकार हम लोगों ने भाषा विविधता बनावट क्यों पढ़ लिया, भाषा शिक्षण पढ़ लिया, भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य पढ़ लिया। इसी क्रम में हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे। लेकिन आप यदि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया तो आपका मोस्ट वेलकम। आपने भी नहीं ज्वाइन किया तो उसके लिए 6306344367 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करें दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए DURGESHHIR। साथ ही साथ ई-लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, मेरा एप्लीकेशन भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी उपलब्ध हैं। बस आपको अपना बेहतर देना है, हम भी आपके साथ हैं आपको बेहतर को और बेहतरीन बनाने के लिए। इसके साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सीटेट के लिए भाषा शिक्षण आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं लगातार आपके लिए इस अध्ययन अध्यापन का दौर लेकर आ रहा हूँ। घबराइएगा मत, केवल ध्यान से सुनिएगा। और ध्यान से सुनने के बाद ही आप अपने आप में यह महसूस कर पाएंगे कि वास्तव में आप अपने आप में स्वयं से एक बड़े हीरे के रूप में। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।